वेलकम बी एच एम एस बडीज। टुडे आवर न्यू मेडिसिन इज पल्साटीला। लेट अस सी द ड्रग पिक्चर ऑफ पल्साटीला। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द डिस्क्रिप्शन। पल्साटीलाज फुल नेम इज पल्साटीला निग्रीकेंस। कॉमन नेम है पल्साटीला का विंड फ्लावर और एनिमॉन। फैमिली है रेनिनकुलेसी। सोर्स है प्लांट और इसके प्रूवर हैं सर हैनेमैन। ड्रग पिक्चर के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। पल्साटीला डोमिनेंटली वुमेंस के लिए रेमेडी के रूप में यूज़ होता है, स्पेशली टीनेज गर्ल्स के लिए। तो एक तरह से कहा जाता है ये वुमेंस रेमेडी है पल्साटीला। इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटल एंड यूटराइन सिम्टम्स देखने को मिलता है। ये रेमेडी एक्चुअल में मेंटल और यूटराइन सिम्टम्स में प्रीडोमिनेंट रहता है। नेक्स्ट ऑल्सो यूजफुल टू मेन इन वेरियस एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि ये वुमेन के लिए है तो मेन के लिए ये रेमेडी नहीं है। ये मेन के केस में भी बहुत सारे एलिमेंट्स में पल्साटीला बहुत अच्छी रेमेडी देते हैं। पल्साटीला में हर एक लेटर का एक अलग मीनिंग है। सबसे पहले पल्साटीला में हम देखते हैं पी में है पैसिव पेशेंट्स कंसल्टेशन के लिए आते हैं। पैसिव पेशेंट्स वो होते हैं जिसको फिजिशियन जो बोलते हैं वो करते हैं। तो पी से हो गया कि पैसिव पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आते हैं। यू से है अनलाइक इग्नेशिया क्रेव्स कंसोलेशन। इग्नेशिया मेडिसिन के कॉमन सिम्टम्स है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, साइकोसोमेटिक डिजीज़ के लिए इग्नेशिया दिया जाता है, तो उसमें डिप्रेशन होता है। लेकिन इस पल्साटीला में पेशेंट कंसोलेशन नीड करता है, उसको आपसी ये चाहिए होता है, स्नेह चाहिए होता है। नेक्स्ट है एल, लाइक अप्रैल डे मूड चेंजेबल। पल्साटीला के पेशेंट का मूड कभी स्थिर नहीं रहता है, उनका मूड हमेशा चेंज होते रहता है। दे हैव चेंजेबल मूड। कभी वो खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, उनका मूड हमेशा चेंज होता रहता है। फिर नेक्स्ट है पल्साटीला में एस है कि उनका स्टमक जो है रिच और फैटी फूड को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उनका पेट में प्रॉब्लम हो जाता है, वो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसा केस बनता है। फिर पल्साटीला में ए लेटर से है ऑल कंप्लेंट्स ऑफ ड्राई टंग थर्स्टलेसनेस में। इसमें ड्राई टंग देखने को मिलता है लेकिन थर्स्टी नहीं होता है पेशेंट, लेकिन उनका जो टंग है बहुत ड्राई होता है। फिर टी से है उनका जो डिस्चार्ज होता है बॉडी का वो थिक ग्रीन येलोइश डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट है आई, तो आई से है इरेगुलर एंड पेनफुल मेंस। फीमेल के केस में इरेगुलर मेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट एल, तो जो ऐसे तो जो डिस्चार्ज होते हैं वो थिक ग्रीन येलो होते हैं, लेकिन जो ल्यूकेरिया होता है वो एक्रिड होता है, बर्निंग होता है और क्रीमी टेक्सचर का होता है। फिर नेक्स्ट एल से है लेबर पेन। लेबर पेन में वो बंद बंद नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सब कुछ दरवाज़ा खिड़की सब खुला हो, ओपन एयर उसे मिले। और ए लास्ट है ए, तो एंड दे कांट लाई ऑन बैक फॉर डिज़ायर। उनको बैक में लेटने में बहुत प्रॉब्लम होता है और उससे यूरिन और ज़्यादा उनको डिस्चार्ज करने की इच्छा होती है। नेक्स्ट है क्लिनिकल्स। बहुत सारे सिम्टम्स में रेमेडी प्रोवाइड करता है पल्साटीला। कौन कौन से सिम्टम हैं वो हम देखते हैं। एक्ने, अबॉर्शन, एनीमिया, एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फिर एपेटाइट में, पाचन में, ब्लैडर अफेक्शन, ब्रेस्ट अफेक्शन, चेस्ट अफेक्शन, आई अफेक्शन, ईयर अफेक्शन, इन सब पार्ट में जब कोई दिक्कत हो, अफेक्शन हो, उसमें पल्साटीला बहुत अच्छा रेमेडी देता है। फिर ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकियल ट्रैक में इन्फ्लामेशन के केस में, फिर कैटरा में, चिलब्लेंस में, कोल्ड में, कॉलिक में, कफ में, डायरिया, डिस्टेंशन में, डिस्पेप्सिया में, फीवर में, फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स जैसे
फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनके उन सब में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें पल्साटिला बहुत अच्छी रेमेडी देता है। फिर ग्लैंडुलर ऑप्थैल्मिया, आँख के पास का जो ग्लैंड है उसमें कोई प्रॉब्लम होने पर, फिर गोनोरिया में, गाउट में, हेमोरॉइड पाइल्स में, हार्ट बर्न में, लेबर में, लैक्टेशन केस में, यूकोरिया में, मीजल्स, मम्स, न्यूरालजिया। न्यूरालजिया मतलब कि फेस में जो नर्व्स पास होते हैं उनमें बहुत ही टिंगलिंग पेन होता है। फिर नेक्स्ट है प्रेगनेंसी डिसऑर्डर में, प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं तो उन सभी डिसऑर्डर के लिए पल्सेटिला बहुत अच्छा रेमेडी देता है। फिर रिमेटिज्म में, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में, स्लीप नींद में भी, जैसे स्लीप में भी बहुत अच्छा पल्सेटिला, स्लीप में भी बहुत सिम्टम है कि उन्हें जल्दी नींद नहीं आती है, वो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, कुछ कुछ उनको ओवर थिंकिंग होते रहता है रात में, और फिर वो जब अर्ली मॉर्निंग होता है तब उन्हें अच्छी नींद आती है। फिर टूथेक में, दांत के प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेंस में, वेरिकोज वेंस होते हैं कि जब एक जगह में जब बहुत सारे वेंस गुच्छा बन जाए, मतलब कि उनका क्लियर से पास होना वो मुश्किल होता है, वो वेरिकोज वेंस देखने को मिलता है, उसमें भी बहुत अच्छा रेमेडी प्रोवाइड करता है पल्सेटिला। नेक्स्ट हम देखते हैं स्फीयर्स ऑफ एक्शन, किस किस जगह पे वो अपना एक्शन प्रोवाइड करता है पल्सेटिला। तो वेंस में, म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग, स्टमक, बावल्स, इस इन जगहों के म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत अच्छा एक्शन करता है। फिर फीमेल जेनिटल्स में, ओवरी, यूट्रस, वजाइना, इन सब में। फिर आईज और ईयर्स में भी वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजेनेसिस, वो अपना वर्क कैसे करता है। तो वो इरिटेशन करते हैं और उससे कैटरल इन्फ्लेमेशन होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, उससे फिर थिक ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। फिर वेंस के केस में वो उनका स्वेलिंग करता है, उसके बाद भी वो ठीक करता है। फिर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे पेन भी होता है। फिर है पाम्स और सोल्स में, टंग में, उनमें बर्निंग सेंसेशन होता है। फिर जो जॉइंट्स है वहाँ पर वो आर्थराइटिक एंड रूमेटिक इन्फ्लेमेशन करता है। फिर वेरिकोसिस अकर्स इन रेक्टम, रेक्टम में वेरिकोसिस देखने को मिलता है। आइज से कैटरल डिस्चार्ज होता है और फिर ईयर में पुरुलेंट डिस्चार्ज, पस का निकलना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पहला है फिजिकल मेकअप, पेशेंट दिखने में कैसा है। तो पेशेंट जो लेडी है वो गोरी होती है, सुंदर दिखती है, फिर फ्लेशी, वो थोड़ा चबी टाइप की होती है। फिर उनका हेयर बहुत अच्छा होता है और आइज अधिकतर का ब्लू होता है, ब्लू आइज के होते हैं, और सॉफ्ट और रिलैक्स मसल्स होते हैं, उनका मस्कुलेचर जो है बहुत सॉफ्ट है। फिर वो एनेमिक है और उनमें खून की कमी है, और वो क्लोरोप्टिक भी है, मतलब उनमें आयरन की डिफिशेंसी भी है। उनका जो फेस है वो बहुत ही पेल है, मतलब येलोइश टाइप में देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें आयरन की कमी, जिससे हीमोग्लोबिन, खून, ये सब का कमी देखने को मिलता है। फिर वो टेम्परामेंट, कैसा उनका विचार है, कैसा वो मूड के हैं, तो फुल ऑफ टीयर्स, वो बहुत ही भावुक टाइप के होते हैं, स्लो होते हैं, कोई भी काम बहुत ही स्लो करते हैं। और फिर सुस्ती उनमें रहता है, फ्लेगमेटिक, वो बहुत सुस्त इंसान होते हैं, इनडिसिजिव, वो जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनका डिसीजन जल्दी वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है वो थर्मल, मतलब वो हीट हॉट पेशेंट हैं या कोल्ड पेशेंट हैं। तो इसके रिलेट में डॉक्टर केंट के अनुसार जो पल्सेटिला का पेशेंट है वो पेंडुलम की तरह घूमता है, मतलब कभी उन्हें गर्मी लगती है, कभी उन्हें ठंड लगती है, हीट एंड कोल्ड के बीच में वो पेंडुलम की तरह घूमता है। और बोरिक और एलिसर के अकॉर्डिंग में ये पल्सेटिला एक चिली ड्रग है, और इसके मियाज्म है सोरिक एंड साइकोटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स और फिजिकल जनरल्स। सबसे पहला है चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि उनका जो सिम्टम है, किसी जगह पेन है तो पेन एक जॉइंट से अदर जॉइंट में मूव कर रहा था, फिर जैसे इस जगह पे है, एक हाथ के जॉइंट में है तो दूसरे हाथ में शिफ्ट कर जाएगा, तो जो सिम्टम्स है वो चेंज होते रहते हैं।
फिर जो नो टू स्टूल्स आर अलाइक, मतलब कि जैसे वो दो टाइम अपना स्टूल डिस्चार्ज करते हैं तो वो दोनों कभी भी सेम जैसा नहीं है, कभी नॉटी ना, मतलब कि गांठ बना होगा तो कभी पतला होगा, तो उनका कभी स्टूल सेम नहीं होता है, मिक्स के देखने को मिलता है, उनमें कोई भी चीज़ एक नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट है वीपिंग डिस्पोजिशन, वो बहुत ही भावुक टाइप के इंसान होते हैं, वो बहुत जल्दी रो देते हैं, उनके आँख में ही आंसू मतलब सामने ही रहता है कि जैसे उनसे कोई अच्छे से बात करेगा, कुछ बात करेगा तो वो तुरंत रोने लग जाते हैं। फिर है वो चिलनेस, उन्हें बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है, लेकिन उनको कोई कवर करे तो उनसे उससे उनको एवर्जन पसंद नहीं है उनको, वो ओपन ईयर ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट है पेन, पेन जो है किसी जगह पे तुरंत आता है फिर तुरंत चला भी जाता है, फिर जैसे उनको ज़्यादा ठंडा लगेगा, मोर चिल मोर पेन, उनको जैसे ज़्यादा ठंडा लगेगा उनका पेन बढ़ते जाएगा, और ये पेन में राहत मिलता है प्रेशर देने से, जिस जगह पे पेन है वहाँ पर वो दबाते हैं या फिर उस साइड में सो जाते हैं, या फिर उन पे कोल्ड एप्लीकेशन मतलब बर्फ़ लगाते हैं, कोई ठंडा चीज़ लगाते हैं तो उनसे उनको राहत मिलती है। लेकिन अगर कोई हॉट जैसे हॉट बैग आता है वो अगर लगाएंगे तो उनका पेन और बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है थर्स्टलेसनेस, उनमें थर्स्टीनेस नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उनका जो टंग होता है वो ड्राई वाइट देखने को मिलता है। हेरिंग जी कहते हैं कि उनका जो थर्स्ट रेयर है, मतलब कि उन्हें बहुत कम प्यास लगती है, लेकिन जब वो पीते हैं तो उन्हें वॉमिट मतलब जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। वेन थर्स्टी ड्रिंक्स ऑफन एंड लिटिल एट अ टाइम, मतलब कि जब वो अचानक पानी पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके तो उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है, और उनके मुंह में हमेशा बैड टेस्ट लगता है, खाने से पहले खाने के बाद में उनका जो माउथ का टेस्ट है बहुत ही ख़राब उनको फील होता है। फिर जो डिस्चार्ज है पल्सेटिला का पेशेंट का, वो थिक ब्लैंड एंड ग्रीनिश येलो में होते हैं, बहुत ही गाढ़ा होता है, ग्रीनिश येलो टाइप का होता है, लेकिन जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो एक्रिड बहुत ही बैड स्मेल वाला होता है, तीव्र होता है, मतलब बहुत स्पीड में निकलने वाला। फिर एक्सकोरिएटिंग होता है, मतलब कि वो जो लेयर है जिस एरिया से निकल रहा है वहाँ पर वो वियरिंग ऑफ, मतलब उस जगह को वो छील के जाता है जिससे वहाँ पर रॉनेस आ जाता है। फिर नेक्स्ट है एक सिम्टम डिरेंजमेंट्स, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि मेनार्च या जैसे मेन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, उसके बाद से वो कभी ठीक ही नहीं हुई है, इसलिए कहा जाता है नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम से रिसेम्बल होता है मेनार्च, तो डिरेंजमेंट्स देखने को मिलता है। फिर जो पल्सेटिला के पेशेंट है उनमें मेंस जो होता है वो बहुत लेट से आता है, और स्कैंटी एंड सप्रेस्ड, मतलब कि जब उनका मेंस आता है अगर वो फीट उनका वेट रहेगा भीगा रहेगा तो बहुत ही सप्रेस्ड टाइप का उनका मेंस आता है बाहर। फिर पल्सेटिला का पेशेंट को ओपन एयर और फैटी फूड बहुत पसंद है, लेकिन वही मीट ब्रेड मिल्क और स्मोक ये सबसे उनको बहुत ही दिक्कत होती है। जो उनके स्टमक में है कोई भी सेंसेशन नहीं मिलता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनका स्टमक का सारा सेंसेशन चला गया है। स्लीप के केस में पहले तो उन्हें बहुत ही क्राउडिंग आइडियाज आते हैं, बहुत ही ओवर थिंक होते हैं, तरह तरह के विचार उनके मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, फिर वो लेट मॉर्निंग में उन्हें अच्छी नींद आती है और उन्हें सपने बहुत ही डरावने आते हैं, और उनमें केस देखने को मिलता है कि वो कभी कभी डायरिया देखने को मिलता है जो कि रात में या फिर ओनली या फिर कभी कभी रात में देखने को मिलता है। क्रोनिक केस के लिए पल्सेटिला एक बेस्ट रेमेडी है। अब हम देखते हैं मेंटल जनरल्स, माइंड में क्या सिम्टम देखने को मिलता है। तो पेशेंट इज माइल्ड जेंटल अमाइएबल यील्डिंग डिस्पोजिशन, बहुत ही वो जेंटल होते हैं, बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा ही गुस्से वाले नहीं होते हैं, मिलनसार होते हैं, अमाइएबल मिलनसार, वो सबसे मिले जुले रहने वाले, ये नहीं कि वो अपना अपना करेंगे, वो सबके साथ रहने चाहते हैं। फिर है नेक्स्ट है
यील्डिंग डिस्पोजिशन के होते हैं, मतलब कि वो बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ मिल रही है तो वो खुश है, अगर नहीं भी मिल रही है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। फिर चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल कंडीशन, उनका मेंटल कंडीशन चेंज होता जाता है, कभी वो खुश हैं तो कभी उदास हो जाते हैं। फिर वो हाइपोकॉन्ड्रियाकल होते हैं, फिर हर चीज़ में वो थोड़ा बैड साइड देख लेते हैं, जैसे कोई चीज़ है उनके पास तो वो उस चीज़ को बैड वे में ले लेते हैं। और उनको कोई कंसोलेशन देता है, उन्हें साथ उनका रहता है उनको, तो उनको बहुत ही कंफर्ट फील होता है, वो बहुत खुश होते हैं उससे। बहुत ही इमोशनल होते हैं वो, शाम के समय बहुत ही डर जाते हैं, और वो अकेला रहने से भी डरते हैं, वो सबके साथ रहना पसंद करते हैं। उन्हें बहुत डर होता है डार्कनेस का, भूत का, अंधेरा का, ये सब का डर होता है। और उन्हें अपोजिट सेक्स से भी, मतलब जैसे वो मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से मिलने में उन्हें बहुत डर लगता है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट फॉर्म्स, किससे उनका जो कंडीशन और वर्स हो जाता है, उन्हें किससे दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। चिल गेटिंग फिट वेट, अगर उनके पैर भीगने से उन्हें बहुत ठंड लगती है, तो फिर फैट एंड स्टार्ची फूड में, जिस फूड में ज़्यादा फैट्स हो, स्टार्च ज़्यादा प्रेजेंट हो, उस फूड से उन्हें दिक्कत होती है। फिर आइसक्रीम, टी, कॉफ़ी, इन सब से उनका दिक्कत और बढ़ जाता है। फिर मरकरी, क्विनाइन, सल्फर, कैमोमाइल, इन सब के अब्यूज से भी उनका एलिमेंट्स होता है। फिर इरेगुलर मेंस में, ओवेरियन एंड यूट्राइन ट्रबल्स में, और फिर वो बच्चों के केस में देखने को मिलता है कि उनमें पेट में कीड़े हो जाते हैं, उससे उनका सिम्टम और ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। अब हम लास्ट देखते हैं ड्रग पिक्चर में जनरल मोडालिटीज़, उसमें एग्रावेशन और एमेलियोरेशन आता है। एग्रावेशन है कि किससे उनका कंडीशन और ख़राब हो जाता है, तो वार्म एयर, वार्म रूम, वार्म क्लोथ्स, मतलब गर्म चीज़ों से, गर्म हवा से, गर्म रूम में, ये सब से उनका कंडीशन और ख़राब हो जाता है, एग्रावेशन हो जाता है। फिर लाइंग ऑन लेफ्ट, और जैसे कि अगर उन्हें जिस साइड पेन है उसके अपोजिट साइड से वो अगर लेटते हैं तो उनका एग्रावेशन बढ़ जाता है। फिर रेस्ट करने से उनका दिक्कत बढ़ जाता है, रिच फूड से, फैटी फूड से उनका समस्या और बढ़ जाता है। फिर प्यूबर्टी में, प्रेगनेंसी में, जब वो अपने पैर को नीचे, मतलब पैर झुलाने से, जैसे अगर वो बेड पे बैठी और पैर लटका कैसे झुला रही हैं, तो उनका कंडीशन और ख़राब होता है, वो एग्रावेट होता है। फिर एमेलियोरेशन, किससे उन्हें राहत मिलती है, कोल्ड एयर से। ऐसे तो ये चिली ड्रग है, मतलब उन्हें अगर ठंड लगती है तो उनका कंडीशन ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर वो कोल्ड एयर, ताज़ी हवा मिलती है उन्हें, तो वो उनका जो कंडीशन है बहुत अच्छा उन्हें महसूस होता है। फिर इरेक्ट पोजीशन में, झुके रहने से नहीं, सीधा रहने से, तन के रहने से उनको राहत मिलती है। फिर मोशन से, जैसे वो रेस्ट करते हैं तो उनका एग्रावेशन होता है, लेकिन मोशन इधर उधर घूमते हैं तो उनका कंडीशन ठीक होता है। फिर ओपन एयर में जाने से, आफ्टर गुड क्राय, मतलब कि वो जब ओपन एयर जाते हैं खुली हवा में और जब रो के वो उठते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। फिर कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स से भी उन्हें कंडीशन बहुत अच्छा लगता है। तो ये था पल्साटिला का ड्रग पिक्चर। तो आप लोग को पल्साटिला में और कुछ जानना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और आपको इसमें कोई भी डाउट लगा हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।